الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। मेरे निहायत वाजिब और एहतराम सामीन किराम, आज हम सूरह तीन जो है इसका तर्जमा और तफसीर जो है वो पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हमें जो है वो दिल जमई के साथ इसको सुनने की, इसको समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह तीन जो है इसमें जो अफाल इस्तेमाल हुए हैं, पहले हम उनका तर्जमा कर लेते हैं। रददना, लौटाया हमने, वी रिटर्न्ड, लौटाया हमने। युकद्दिबु, जुटलाया या जुटलाता है वो शख्स जो है इसको क्या कर रहा है, जुटला रहा है। अब यहाँ हम का तर्जमा नहीं करेंगे कि जुटलाया, तर्जमे के लिए जो है वो देखना पड़ता है इसका फाइल क्या है। तो यहाँ आएगा जुटलाया युकद्दिबु उसने। अब उसका जिक्र जो आयत में आ जाएगा, उससे क्या मुराद है, causes to deny। इसके बाद है रददना, लौटाया हमने, युकद्दिबु, जुटलाया उसने, और ये दो ही जो है इसमें फेल इस्तेमाल हुए हैं जो नए आए हैं। बाकी जो है पहले आप पढ़ चुके हैं। अस्मा की तरफ आए तो एक आया अत्तीन, इंजीर को कहते हैं, तकवीम, सूरत, बेहतरीन सूरत, जो भी एक तरतीब दी जाए, तरतीब दे के जो चीज बनाई जाए उसे कहते हैं ये क्या, एक तकवीम है, यानी सीधा खड़ा कर देना, एक चीज को सही बना देना, उसके लिए तकवीम इस्तेमाल होता है। मौल्ड, ममनून, ये पहले भी आया था, कटा हुआ, रुका हुआ, जब इसके साथ आता है गैरो ममनून तो ना कटा हुआ, हमेशा रहने वाला, तो ममनून, कटा हुआ, रुका हुआ, एंडिंग। अहकम, यानी जिसका एंड हो जाए उसे कहते हैं ममनून, और जब आ जाए गैरु ममनून या गैर ममनून कि जिसका एंड ना हो, जो हमेशा रहे, उसके लिए इस्तेमाल होता है। अहकम, सबसे बड़ा हाकिम, द मोस्ट जस्ट, सबसे ज्यादा जो है वो हाकिम, एक होता है हाकिम और एक होता है सबसे बड़ा हाकिम, तो उसके लिए अहकम होता है, हाकिम का आगे बन जाता है अहकम, इसमें तफजील का सीगा होता है, सबसे बढ़कर बड़ा हाकिम शख्स जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और अहकम यहाँ जो है अल्लाह तबारक व ताला की जात के लिए इस्तेमाल होता है कि वो सबसे बड़ा जो है क्या हाकिम है। तो तीन क्या हो गया, इंजीर, तकवीम, सूरत, ममनून, कटा हुआ, रुका हुआ, अहकम, सबसे बड़ा हाकिम। अब हम आते हैं इसकी जो है वो तर्जमा और तफसीर की तरफ, उसको हम देखते हैं कि क्या इसका तर्जमा और तफसीर है। उसमें देखें सूरह तीन जो है इसमें जो है इस सूरत में जजा और सजा का इस बात है, इसकी तमहीद यूं उठाई है कि दुनिया में अंबिया किराम की बासत और दावत के जो अहम मराकज हैं, पहले उनका जिक्र बसूरत कसम किया। अच्छा, यहां जो है वह तीन से इंजीर भी मुराद है और कोहे तीन भी मुराद है, जहां जिस पहाड़ पे इंजीर होती है, और इसी तरह जैतून से कोहे जैतून भी मुराद है। तो लिहाजा ये वो इलाके, वो जगह जहां जो है अंबिया ने आके दावत दी, उनका जिक्र भी यहाँ बतौर शहादत किया। और इसकी रोशनी में ये वाजे फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन साख्त पर, नहायत आला फितरत पर और नहायत बरतर सलाहितों के साथ पैदा किया, लेकिन इस बरतरी को कायम रखने और इन आला सलाहितों को परवान चढ़ाने के लिए उसने ये सुन्नत ठहराई कि जो लोग ईमान और अमले साले की राह इख्तियार करेंगे और इस राह की सौबतों को अजम व हौसले के साथ मुकाबला करेंगे तो अपनी जद्दोजहद का भरपूर सिला पाएंगे। रहे वो लोग जो नफ्स परस्ती और तन आसानी के बायस इस राह के उकबात को पार करने और इसकी सौबतों से नबर्द आजमा होने का हौसला नहीं करेंगे, अल्लाह ताला उनके इख्तियार की हुई राह पर जाने के लिए उन्हें छोड़ देगा और वो बिलाखिर उस खड में गिरेंगे जो ये राह इख्तियार करने वालों का मुकद्दर होता है। तो बहरहाल जो है इन आयात में जो है वो अल्लाह तबारक व ताला ने इन चीजों को जो है वो जिक्र फरमाया और आखिर में इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई
कि बंदों के साथ अल्लाह ताला का ये मामला बिल्कुल हक व अदल पर मबनी है। अगर वो ऐसा ना करे तो इसके माना ये हुए कि उसकी नजर में नेक व बद दोनों यकसा हैं, हालांकि ये बात बिलबदात बातिल है। जिस खुदा ने लोगों को नेकी और बदी का शऊर दिया, लाजिम है कि वो सबसे बढ़कर नेक और बद में इम्तियाज करने वाला और हर एक के साथ उसके इस्तेकाक के मुताबिक मामला करने वाला भी हो। आगे सूरह असर में भी इस हकीकत को बयान किया। अब इसकी जो है तर्जमे और तफसीर की तरफ आए तो वत्तीन वज़ैतून, वाव जो है यहाँ कसम के लिए है, इंजीर की कसम और जैतून की कसम। इंजीर क्या है, निहायत उमदा एक मेवा है और इसको ड्राई फ्रूट कहते हैं, जिसमें जो है वो बिल्कुल फुजला नहीं होता, सरीउल हजम है, कसीरुन नफा है और इसमें जो है वो क्या है, दाफे है, मुफसद जिगर के लिए बड़ा अच्छा है, उनके मुफसद मादों को दफा करता है और इसके अलावा जो है बलगम को खत्म करता है। इसी तरह जैतून एक मुबारक दरख्त है जिसका तेल रोशनी के काम लाया जाता है और बजाय और सालन की जगह भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये वस्फ दुनिया के किसी तेल में नहीं। इसका दरख्त खुश्क पहाड़ों में पैदा होता है जिसमें क्या है बहुत ज्यादा जो है वो क्या है बगैर खिदमत के परवरिश पाता है, यानी इसमें ये सलाहियत है कि इस दरख्त की खिदमत नहीं करनी पड़ती, खुद ही जो है वो क्या परवरिश पाता है, हजारों वर्ष रहता है। इन चीजों में कुदरत इलाही के आसार जाहिर हैं, यानी ऐसे जबरदस्त ये दरख्त हैं। तो इन दरख्तों की कसम खाई या ये दरख्त जिन पहाड़ों पर हैं उन पहाड़ों की अल्लाह तबारक व ताला ने कसम खाई। इसके अलावा जो है मैं आगे थोड़ा बयान करूंगा कि ये इन पहाड़ों पर जो है किस तरह अंबिया की जो है वो तालीम या उनके साथ जो है ये कैसे अंबिया के जो है उसके साथ मंसूब है। वह तूर सीनीन और तूरे सीना की कसम। तूरे सीना जो है ये वो पहाड़ है जिस पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम से मुशर्रफ फरमाया और सीना उस जगह का नाम है जहां पहाड़ वाक्या है। तूर पहाड़ का नाम है और सीना उस जगह का नाम है, या माना क्या है, खुश मंजर के हैं जहां कसरत से फलदार दरख्त होते हैं उसे तूरे सीना कहते हैं। वहादल बलादिल अमीन और इस अमन वाले शहर की कसम। अमन वाले शहर से क्या मुराद है, यानी मक्का मुकर्रमा की कसम। इन सब चार कसमें खाने के बाद वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहादल बलदिल अमीन, इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला क्या फरमा रहे हैं कसमों के बाद जो मकसम अलह है, लकद खलकनल इंसान फी आसानी तकवीन। लकद अलबत्ता ताकीक खलकना पैदा किया हमने अल इंसाना इंसान को फी में आहसानी बहुत अच्छी तकवीम सूरत में, तो इंसान को हमने बहुत अच्छी सूरत में बनाया। सुम्मा रदद ना हु फिर लौटाएंगे हम इसे असफला साफिलीन सबसे नीचे वाली हालत की तरफ, फिर हर नीचे से नीची हालत की तरफ इसको क्या कर देंगे फेर देंगे, यानी बुढ़ापे की तरफ, जबकि बदन ज़ईफ आज़ा नाकारा अकल नाकेस पुश्त खमदार बाल सफेद हो जाते हैं, जिल्द में झुर्रियां पड़ जाती हैं, अपनी जरूरियात अंजाम देने में मजबूर हो जाता है। या इसका ये मतलब है कि जब उसने अच्छी शक्लो सूरत की शुक्र गुजारी ना की और ना फरमानी पर जमा रहा और ईमान ना लाया तो जहन्नम के असफल तरीन दरकात को हमने उसका ठिकाना बना दिया। इस तरह जो है इंसान को अच्छी तकवीम अच्छी सूरत में बनाया, यानी इंसान की जो सूरत अल्लाह ने तरतीब दी कि उसका चेहरा कैसे होगा, दो आंखें हैं, कान हैं दो, इसके बाद ये चेहरे की और दो हाथ हैं, जो साख्त अल्लाह तबारक व ताला ने बनाई, और इस तरह जो है इसको परवान चढ़ाता है कि दोनों हाथ एक ही तरतीब से बढ़ रहे हैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है। ये जो सूरत है ये इंसान के लिए बेहतरीन सूरत है, इससे बेहतरीन सूरत जो है वो नहीं हो सकती। और फिर जो है उसने क्या करना है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाना है। सुम्मा रदद ना हुआ अस्फला साफिलीन, फिर हम उसको जो है इस तरफ फेर देंगे। यानी दूसरा क्या है कि अगर उसने अल्लाह की नेमतों की कदर ना की तो अस्फला साफिलीन से क्या मुराद है, उसे दोजख की आग में जो है जला दिया जाएगा, दोजख के उन दराजात की दरकात की तरफ जो है उसको फेंक दिया जाएगा। लेकिन कौन बच जाएंगे, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात,
मगर वो लोग जो आमनू ईमान लाए वामिलू और अमल किए अस्सालिहात नेक उनके लिए क्या होगा फलाहुम अजरुन गैरु ममनून बस लाहुम उनके लिए अजरुन अजर होगा जजा होगी गैरु ममनून ममनून अभी आपको अल्फाज मानी में बताया था कि ममनून क्या होता है जो कटा हो खत्म हो जाए और गैरु ममनून जो कटा हुआ ना हो जो हमेशा रहे तो हम इसको क्या उन्हें ऐसा अजर देंगे जो हमेशा रहेगा या बहुत ज्यादा अजर होगा बेहद तो फलाहुम अजरुन उनके लिए अजर होगा गैरु ममनून बेहद और बेहिसाब फमा युकज्जिबुका बादु बिद्दीन तो अब फमा क्या चीज युकज्जिबु तुझे इंसाफ के जुटलाने पर बाहिस है फमा बस क्या चीज है युकज्जिबु जुटलाने पर जो है वो उभारती है का तुझे बादु इसके बाद बिद्दीन दीन के यानी जिसके बाद इंसाफ के बाद तुम्हें क्या चीज इस चीज पर उबारती है कि तुम क्या करो इन चीजों को जुटला दो कुफार से खिताब है अलैहिस्सल्लाहु क्या नहीं अल्लाह ताला बिअहकमिल हाकिमीन बिअहकमा इंसाफ करने वाला हाकिम हाकिमीन हाकिमों में से यानी सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम जो है वो क्या है अल्लाह तबारक व ताला है इन आयात में जो है आखिरी आयात में इस चीज की तरफ इशारा फरमा दिया कि अल्लाह ताला की ये कुदरतें देखने के बावजूद क्यों बासो हिसाब और जजा का तुम इनकार करते हो फमा युकज्जिबु का बादु बिद्दीन ये सारी नेमतें देखने के बाद कि अल्लाह ताला ने तुम्हें आहसन तकवीम में बनाया फिर जो है तुम्हें क्या रद्द किया लुटा दिया असफल साफिलीन की तरफ लेकिन जो ईमान लाए नेक अमाल किए उन्हें जो है बेहिसाब अजर अता फरमाया तो क्या चीज है जो तुझे जो है फिर इस चीज पर उभारती है कि तू बास और हिसाब और किताब और इन चीजों का क्या है इनकार कर दे तो इस तरह सूरत में ये जो चीजें सारी बयान की गई इनको अगर देखा जाए तो वह तीन जो है इससे जबले तीन भी मुराद हो सकता है जबले तीन से मुराद कोहे जूदी है कोहे जूदी ये वो पहाड़ है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जो है वो जन्नत से उतारे गए और जिस पहाड़ पे आए और जो जहां आपने तोबा की और आपकी तोबा कबूल हुई उसे कहते हैं क्या है ये कोहे तीन है कोहे जबले तीन जो है वो ये इस्तेमाल होता है तो अगर इसको जबल कहें तीन क्या होता है इंजीर इंजीर जिस पहाड़ पे होती है उसे क्या है कोहे तीन भी कह देते हैं जबले तीन भी कह देते हैं इस तरह वो पहाड़ की तरफ भी निस्बत है इसी तरह कोहे जैतून जो है इसके बारे में है कि ये भी एक पहाड़ पे क्योंकि उगता है और इससे मुराद जो है वो पहाड़ है जहां हजरत इसका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम जो है वो वहां गुजरे कोहे जैतून पे जजा का जो वाक्य है वो बयान हुआ कि इसी पहाड़ पर खुदा ने अपनी शरीयत यहूद से चीनी और वो सिलसिला इब्राहिमी की तरफ उसकी शाख के हवाले कर दी ये वाक्य हजरत मसीह की जिंदगी के आखिरी दौर से ताल्लुक रखता है इंजीलियों में इसकी जो तफसीलात मौजूद है उससे मालूम होता है कि एक रोज आप शब भर जाकर अपने रब से दुआ और मुनाजात करते रहे कि उनकी कौम यहूद की कश्ती गर्क होने से बच जाए लेकिन तकदीर का फैसला अटल था बिलआखिर वो कौम के मुस्तकबिल से मायूस हो गए बिलखसूस जब आपको मालूम हुआ कि यहूद आपके कत्ल के दर पे हैं तो इस बात से आपको और भी गम हुआ क्योंकि आपको मालूम था कि अगर यहूद ने इस तरह का कोई इकदाम किया तो उनपे सुन्नत इलाही के मुताबिक अल्लाह की लानत हो जाएगी तो ये उस पहाड़ पर जो हुआ इसलिए इसे कोहे जैतून जो है वो कहते हैं इसके बाद तूर सीनीन जो है ये क्या है कि वो पहाड़ है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है क्या है वही मिली उसको कहते हैं कोहे तूर सीनीन अब तूर जो है ये पहाड़ को कहते हैं और इसके लिए दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है सीनीन इसके लिए सीना का लफ्ज भी जो है वो आता है तूर सीना और ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है किसमें सूरह मोमिनीन मोमिनून में तूर सीना और यहाँ जो है सीनीन आया है ये जमा का है अजमाउन के वजन पे इस तरह भी इस्तेमाल होता है तो इससे मुराद वो पहाड़ है जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही मिली यानी अगर देखें तो कोहे जबले तीन से जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निस्बत है
जबल जैतून से जो है हजरत ईसा अलैहि सलाम की निस्बत है, तूर सीनीना से हजरत मूसा अलैहि सलाम की निस्बत है, और इसके बाद वहादल बलादिल अमीन जो कहा, इस हाजल बलादिल अमीन में जो निस्बत है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो निस्बत है कि इसमें शहर मक्का मुराद है। इस तरह जो है इन तीन चार चीजों की कसम के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, कि कसम होती है अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, और ये जो है बेहतरीन और ऐसी जो है वो मुकद्दस मकामात की कसम खा के उनको जो है बताया जा रहा है कि इन मुकद्दस मकामात को तुम भी मानते हो, या इन मुकद्दस जो है वो क्या है जिन जो है वो मेवाजात का जिक्र किया जा रहा है या मुकद्दस दरख्त का जिक्र किया जा रहा है, उसकी कसम खाने के बाद आखिर में जो है ये चीज कही गई। तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने सुना उसको याद रखने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हम सब की जो है वो तकालीफ मसाइब परेशानियां जिसके दिल में जो भी जायज ख्वाहिश है उसे कबूल फरमाए, और तकालीफ परेशान और मसाइब जो है उनको दूर फरमाए, और हमारे वालिदैन की मगफरत फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, और उसके बाद जन्नत अल फिरदौस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग।